आज हम लोग मिशनरी स्टेट लाइन के और न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसमें एक ट्रक है और एक कार, ठीक है, दोनों रुके हुए थे क्योंकि सिग्नल रेड था। जैसे सिग्नल ग्रीन होता है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, कॉन्स्टेंट है। और ये जो कार है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें इतना करंट ये एक्सेलरेशन इसकी वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कार है वो ट्रक को कितनी देर बाद जो है ओवरटेक कर लेगी, पार कर जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि कितने दूर जाकर के वो उसको ओवरटेक कर पाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन है कि जब वो उसको ओवरटेक कर लेगी तो उस समय इसकी स्पीड कितनी रही होगी कार की। ये तीन क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करने, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग इसका जरा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से इसको समझते हैं कि यहां पे क्या है। तो यहां पे ग्राफ हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और टाइम यानी समय, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रक की बात करें तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये हो गया ग्राफ ट्रक के लिए, ठीक है। अब यही ग्राफ कार के लिए लगाएंगे तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, उसका ग्राफ नहीं। जहां भी ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया, वहां पे जो लिखा होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही दूरी चल करके जो कार है उसने ट्रक को ओवरटेक किया, और यहां जो टाइम लिखा होगा उतने टाइम पे जाकर के जो है कार ओवरटेक कर पाएगी ट्रक। तो ये हो गया कार का ग्राफ, ये कर्व क्यों है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन, और ये हो गया ट्रक का ग्राफ क्योंकि ये स्प्रेड है, क्यों क्योंकि इसकी स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट हो गई। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लिए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि कितने टाइम पे जो है कार ने ट्रक को ओवरटेक किया होगा, तो टाइम टी मान लेते हैं। तो अगर कार ने ओवरटेक किया है ट्रक को तो पक्का दोनों बराबर डिस्टेंस चल गया होगी, तभी वही ओवरटेक कर पाएगी। तो दोनों की डिस्टेंस बराबर कर लीजिए, तो पहले हम लोग निकालते हैं ट्रक की डिस्टेंस। ट्रक की डिस्टेंस को हम डी टी लिख ले रहे हैं, डी ट्रक, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 10 हो गई स्पीड, टाइम हो गया, यानी इसने 10 की डिस्टेंस चली। अब कार की बात करें तो उसमें एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी होता है तो एस डी टी किया, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो डी मतलब का यू तो जीरो है क्योंकि वो रुकी हुई थी दोनों स्टार्टिंग में, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो हाफ ए की वैल्यू 2 इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर हो गए, तो 10 टी इक्वल टू हो जाएगा टी। अब ये सिंपल सी मैथ्स इक्वेशन, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। कैसे आएगी, या तो आप एक टी से टी कैंसिल कर दो क्योंकि टी नॉट इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा। तो यानी 10 सेकेंड बाद वो जो कार है वो ट्रक को ओवरटेक कर दी। अब क्वेश्चन था कि वो कितना डिस्टेंस चल करके ओवरटेक करेगी, तो चाहे यहां टी की वैल्यू रख दीजिए, चाहे यहां पे रख दीजिए टी स्क्वायर सेम वैल्यू आएगी तो रख दीजिए। तो कितना डिस्टेंस चल करके वो ओवरटेक करेगी, तो डिस्टेंस निकालिए कितना डिस्टेंस उसमें चली होगी, तो अराउंड लगा दें 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 100 मीटर जाकर के वो उसको ओवरटेक कर, ठीक है। आगे बात सुनो, तो 10 सेकेंड बाद वो उसको ओवरटेक करेगी और 10 सेकेंड तक चलने में उसने 100 मीटर दूरी जो है ट्रेवल कर ली, यानी वो 100 मीटर आगे जाकर के उस ट्रक को ओवरटेक कर पाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वो उसको ओवरटेक कर रही होगी तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, कार की स्पीड क्या रही होगी, तो वही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है। तो कार के लिए लगा दिए v इक्वल टू यू प्लस ए, तो v हमको निकालना है 10 सेकेंड बाद, भाई 10 सेकेंड तक वो क्रॉस कर पाएगा, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड, u इनिशियली वो रुकी हुई थी, a की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन 2 है,
इनटू 10 सेकेंड v इक्वल टू 0 प्लस 20 जो लिखने का पार्टी v इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जब उसने ट्रक को क्रॉस किया होगा तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड रही होगी। ट्रक को क्रॉस करने से पहले वो 100 मीटर तक चल चुकी होगी और ट्रक को क्रॉस करने में उसको 10 सेकेंड लगे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो बात को इन मेथड से समझ आ गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, यानी वेग और समय के बीच में ये ग्राफ है, ठीक। जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में और जो टाइम है वो सेकेंड्स में, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो अगर हम आपसे बात करें ए से बी तक मतलब 2 सेकेंड, यानी शुरू से 2 सेकेंड तक उसकी स्पीड 5 की नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड ही थी। फिर 2 से 3 सेकेंड तक, देखिए 2 से 3 सेकेंड तक उसकी स्पीड 5 से घट करके 2 हो गई, देखिए 5 की और 2। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, यानी बी टू सी की अगर बात करें तो यहां जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा और स्पीड घट रही है यानी वो नेगेटिव होगा। फिर सी से डी तक की बात करें, 3 से 5 सेकेंड तक देखें तो उसकी स्पीड 2 रही है, उसके बाद फिर घटते घटते 5 से 7 सेकेंड के बीच में 0। तो ये ग्राफ हमको ये चीज बता रहा है। तो अगर हम ए से बी पार्ट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी से सी पार्ट की बात करें तो वेलोसिटी घट रही है, सी से डी पार्ट की बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, डी से ई पार्ट की बात करें तो वेलोसिटी घटते घटते 7 सेकेंड 0। तो ये ग्राफ हमको ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए बीसी वाले टाइम इंटरवल, यानी बी से सी तक जाने में यानी 2 से 3 सेकेंड होने में उसका एक्सेलरेशन कितना था जो स्पीड उसकी 5 से 2। तो एक्सेलरेशन का मामला आपको याद होगा, एक्सेलरेशन का मामला होता है वी माइनस यू, तो v, तो b से c के बीच लगा रहे हैं एक्सेलरेशन, तो c होगी v की वैल्यू और b पे होगी u की वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग वाला u होता है और बाद वाला u, तो c पे बात करिए तो वो v का काम करेंगे वो है 2 मीटर पर सेकेंड और b पे यानी वो u का काम करेंगे वो है 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, तो 2 से 3 सेकेंड होने में 1 सेकेंड लगा होगा, यह -3 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये रोक रहा है, मंदन का काम कर रहा है, ये रिटार्डेशन है, इस वजह से ये वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ए से बी की बात करें, एक्सेलरेशन निकालना ए से बी का या सी से डी की बात करें तो ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यहां पे 5 बन रही और यहां पे 2 बन रही, यानी इस दौरान अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो एक्सेलरेशन वो 0 रहेगा, वो 0 मानेगा, ठीक है। अगली बात सुन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या पूछा है, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने पूछा है कि लास्ट फोर सेकेंड उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, तो लास्ट 4 सेकेंड होगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, यानी यहां से निकलते यहां तक ये वाली हमको डिस्टेंस टर्म निकालनी। तो आपको याद होगा जब ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच होता है तो ग्राफ पर हमको एरिया निकालना है, तो वही हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम में एक डायरेक्शन में चल रहा है वही हो जाएगी डिस्टेंस, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है लास्ट 4 सेकेंड की बात होगी। तो ये तो ट्रेपेजियम है, समलंब है, समलंब का ये क्या होता है, समांतर भुजाओं का एरिया, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड ये पैरेलल है इस पर ये दोनों, अगर ये वाली साइड की बात करें तो 1 2 और ये वाली की बात करें 1 2 3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देख सकते हैं, तो हो जाएगा हाफ पैरेलल साइड्स को जोड़ना 2 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हो गया 2 से 2 कैंसिल,
एस के बराबर फोर प्लस टू यानी सिक्स मीटर, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिक्स मीटर का होगा। ठीक है, वो आपको समझ आ गया होगी बात। तो सबसे पहले ए से बी तक का एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी वो नहीं बदलेगी। सी से डी वाला भी एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अब अगर हम लोग बी से सी तक की बात करें, बी से सी तक यहां पर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन टू, इनके बीच जो गैप में वन सॉल्व कर लिया था। फिर उसने पूछा लास्ट फोर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग, लास्ट फोर सेकेंड यानी थ्री से सेवन तक, वन टू थ्री फोर। तो भाई ये वाला एरिया निकालना चाहिए, ये वाला एरिया तो ट्रेपेजियम का है, ट्रेपेजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो भी इन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस थ्री टू से टू कैंसिल यानी फोर प्लस टू सिक्स मीटर आपका आंसर आ गया। यानी इस तरीके हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू लॉट।